खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहानी। आज की खबरों में नादेव कंपोस्ट उत्पादन की उन्नत तकनीक, पूसा 9 सितंबर अरहर की उन्नत किस्म, आलू के भाव में तेजी पर प्याज में गिरावट और हल्की बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। नादेव तकनीक कंपोस्ट खाद तैयार करने की एक उन्नत तकनीक है। इसके तहत आयताकार छिद्रों वाला एक टैंक बनाया जाता है, जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और गहराई लगभग 1 मीटर रखी जाती है। इसकी सतह को अच्छी तरह गोबर से भर दिया जाता है ताकि पानी का रिसाव न हो। इस टैंक में फसलों के अवशेषों, खरपतवार तथा अन्य खाद्य अवशेषों को गोबर की परत के साथ साथ मिट्टी की परत से एक के ऊपर एक बिछाकर ढक दिया जाता है। टैंक ऊपर तक भर जाने के बाद उसे चिकनी मिट्टी और गोबर से लेपकर बंद कर दिया जाता है। इस तकनीक से 100 से 120 दिनों में कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। पूसा 9 पूरे बिहार के लिए अनुशंसित अरहर की एक उन्नत किस्म है। इसकी बुआई खरीफ फसल मक्का, मड़ुआ या धान के बिचड़ों के बाद खाले ऊपरी भूमि में की जा सकती है। इसकी बुआई का उपयुक्त समय 25 अगस्त से 15 सितंबर है। सितंबर अरहर के लिए खेत की तैयारी के समय 100 किलोग्राम DAP का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त बुआई के 25 से 30 दिनों बाद 10 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन कर खेत में अच्छी तरह निकाई गुड़ाई करें। खेत में यदि जिंक व सल्फेट की कमी हो तो बुआई के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। 45 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए उपयुक्त होता है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। 250 से 260 दिनों में तैयार होने वाली इस किस्म की औसत उपज क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, बरसात में मत्स्य तालाब का सही प्रबंधन काफी जरूरी है। तालाब प्रबंधन ठीक नहीं रहने पर मछलियों में बैक्टीरिया, फफूंद और वायरस जनित अनेक बीमारियों के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें पंखों और गलफड़ों का सघन रोग प्रमुख है। इसके लिए तालाब में मछलियों का समय समय पर निरीक्षण करते रहें। यदि पंख सघन रोग के लक्षण दिखाई पड़े तो संक्रमित मछलियों को बाहर निकाल कर 0.5% तूतिया के घोल में 1 से 2 मिनट डुबो कर रखने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि मछलियों में गलफड़ा सघन रोग के लक्षण दिखाई पड़े तो इसे तालाब से निकालकर 3 से 5% साधारण नमक के घोल में स्नान कराएं। साथ ही तालाब में 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना का प्रयोग करें। आज कृषि और किसानों का विकास सरकार के मुख्य एजेंडे में शामिल है। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, इसके लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। योजनाएं किसानों के खेत तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। किसान अब खेती को जीवन निर्वाह का साधन नहीं बल्कि व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। इन योजनाओं से उत्साहित ऐसे ही एक कृषक है रामपुर धमौली मुजफ्फरपुर के विक्रम कुमार। विक्रम कुमार 6 वर्षों से सब्जियों की खेती कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पहले उन्होंने छोटे पैमाने पर 2 कट्ठा खेत से सब्जियों की खेती प्रारंभ की थी, लेकिन बाजार में हरे सब्जियों की बढ़ती व्यवसायिक मांग एवं इसकी खेती से हो रही अच्छी आमदनी की वजह से उन्होंने धीरे धीरे इसका विस्तार किया। अभी इन्होंने तकरीबन 10 कट्ठा खेत में कुंदरी लगाया हुआ है। विक्रम कुमार सब्जियों की खेती आधुनिक ढंग से करते हैं, खेतों की साफ सफाई एवं सिंचाई का बेहतर प्रबंध करते हैं तथा सब्जियों एवं सब्जियों के फलों पर उचित समय पर उचित मात्रा में खाद एवं कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, जिससे इन्हें तैयार होने पर प्रति कट्ठा प्रत्येक 4 दिनों के अंतराल पर लगभग 1 क्विंटल कुंदरी का उत्पादन प्राप्त हो जाता है। मंडी भाव में आपका स्वागत है। मंडी में आलू एवं प्याज के विभिन्न किस्मों के भाव की ताजा स्थिति जानने के लिए चलते हैं घिरनी पोखर सब्जी मंडी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर स्थित घिरनी पोखर सब्जी मंडी सब्जियों की थोक एवं खुदरा मंडी है। इस मंडी में जिला भर के सब्जी उत्पादक, किसानों, व्यापारियों एवं ग्राहकों का बराबर आना जाना लगा रहता है। लोग रोज सुबह से ही मंडी में अच्छी संख्या में एकत्र होकर अपनी मनपसंद सब्जियों की खरीदारी करने लगते हैं। सब्जियों की मंडी घिरनी पोखर सब्जी मंडी में आलू एवं प्याज की थोक कीमतों पर यदि एक नजर डालें तो अभी आलू के भाव में तेजी तथा प्याज के भाव में गिरावट आई हुई है।
इस वक्त घिरनी पोखर सब्जी मंडी में प्याज 1200 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल एवं 14 से 15 रुपए प्रति किलो, आलू लाल 1750 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल, आलू सफ़ेद 1650 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल एवं 20 से 25 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रहा है। और चलते चलते एक नज़र मौसम पर। मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में राजन कृषि विश्वविद्यालय पूसा के ग्रामीण कृषि एवं मौसम परामर्शी सेवा द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। इस बीच अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 90% और न्यूनतम 49% रहने के साथ 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। प्रदेश के 4 शहरों का तापमान इस प्रकार रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरपुर अधिकतम 34.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26.1 डिग्री सेल्सियस, पटना अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25.4 डिग्री सेल्सियस, गया अधिकतम 33.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर अधिकतम 33.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.3 डिग्री सेल्सियस। ये थी खबरें खेती की। कृषि संबंधी अन्य जानकारी के लिए देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। दा, 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 दा,